हेलो फ्रेंड्स, आपने OLX यूज करते हो राइट फ्रेंड्स, या फिर Amazon यूज करते हो, या फिर Flipkart, Meesho, कोई भी चीज यूज करते हो फ्रेंड्स, तो आप 100% चांसेस है कि आप स्कैम में भी फंस सकते हो। क्या फ्रेंड्स पता चला आपको? कुछ पता नहीं चला राइट फ्रेंड्स। OLX, Amazon, Meesho, ये सारी चीजें यूज करने से हम स्कैम में कैसे फंस सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सिर्फ आप नहीं लेकिन बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इसमें फंसे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ खुद का कि मेरा नाम है यशो पटेल और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाउस यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, यानी कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, पहले तो स्कैम क्या होता है? तो स्कैम वही चीज होती है जो आपको बेवकूफ बना के की जाती है कोई अदर थर्ड पार्टी के थ्रू राइट फ्रेंड्स, यानी कि कोई तीसरा पर्सन है, आप और आपके सर्वर यानी कि Amazon या फिर OLX और आप, OLX और आपके बीच में कोई तीसरा थर्ड पार्टी आ जाता है जो कि स्कैम करके चला जाता है, आपको पता तक नहीं रहता है। अब OLX का स्कैम क्या होता है कि जैसे मेरा फोन है राइट फ्रेंड्स, वो मैंने बेचने के लिए OLX पे रख दिया और कोई पर्सन बोलता है कि यार मुझे बाय करना है, आपको मैं मेरा पेमेंट कर दूंगा आधा और आप मुझे मेरे मुझे मुझ तक पहुंचा दीजिएगा किसी भी तरह से राइट फ्रेंड्स। तो क्या होता है कि वो पेमेंट तो पहुंच करता ही है, आपको पेमेंट करता है UPI थ्रू, लेकिन वो पेमेंट नहीं करता है, लेकिन एक रिसीव वाला ऑप्शन आता है रिसीव मनी करके, वो आपको रिक्वेस्ट सेंड करता है कि आप रिसीव मनी पे अपना जो UPI कोड है वो डालिए, जो कि 6 डिजिट का होता है, वो डालने के साथ ही आपके अकाउंट में से उन्होंने जितने भी पैसे की रिक्वेस्ट की होगी वो कट लिए जाएंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा। और आप सोच रहे होंगे कि अभी तक हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आया क्यों नहीं, आने की जगह चले जाता है। अब दूसरा, मैंने Amazon की कुछ इयर्स कंप्लीट होने की बात की थी, यानी कि एनुअल स्कैम। तो क्या होता है कि फ्रेंड्स, आपको कुछ Amazon है, Flipkart है, ऐसी काफी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि सेलिंग करती है राइट फ्रेंड्स, ऑनलाइन सेलर है। तो वहां क्या होता है कि इसके कुछ 13 ईयर 15 ईयर एनिवर्सरी आती है तो वो कुछ अपने ऑफर्स लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ थर्ड पार्टी पर्सन होते हैं, चूंकि वेब डेवलपिंग आती है थोड़ी कुछ, तो वो क्या ऐसे स्कैम बना देते हैं, सेम टू सेम फिशिंग क्रिएट करते हैं, यानी कि सेम पेज ही लगता है लेकिन आप पहचान में गलती कर देते हो, आप URL को ढंग से नहीं देखते हो, HTTP को फॉलो नहीं करते हो, यानी कि आपको समझ में नहीं आता है। हर कोई तो IT या फिर कंप्यूटर फील्ड से नहीं बिलोंग करता है, सिर्फ उन्हें तो वही कमांड पता चलता है कि जो सेलर और बायर के बीच में होता है, उन्हें अंदर की कोडिंग या क्या है या फिर URL क्या वो नहीं पता चलता है। तो क्या होता है, वो फिशिंग क्रिएट करता है फ्रेंड्स, और वो फिशिंग में उसकी आपकी ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करने को बोलता है आपके पासवर्ड से, तो आपकी पूरी आईडी हैक कर लिए जाती है, इसी तरह से उसके डेटाबेस में आपके पासवर्ड और आईडी स्टोर हो जाते हैं। तो क्या होता है कि वही पासवर्ड आईडी को लॉगिन करके अपना जो भी सेलिंग मतलब शॉपिंग करने होते हो कर लेते हैं और फिर पैकअप करके चले जाते हैं और आपको पता तक नहीं चलता है, और आपको एक लिंक भी मिलती है कि आप यहाँ पे क्लिक करो आपको इतनी गिफ्ट मिल रही है, आपको इतनी ऑफर मिल रहे हैं, और गिफ्ट वहां पे क्लिक करने से क्या होता है कि आपके UPI वहां डालने को बोला जाता है, जो कि मैं आगे बताया 6 डिजिट का होता है, और UPI डालते ही आपके अकाउंट में से गिफ्ट तो नहीं आता है बल्कि पैसे कट लिए जाते हैं, आपको पता नहीं होता है, इस टाइप से स्कैम होते हैं। अब इसको बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, बचने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ गूगल पे Amazon का कोई स्कैम होता है आपके पास ऐसी लिंक आती है तो गूगल पे Amazon लिखने और Amazon पे जाके उसके लास्ट वाला यानी फुटर वाला पोर्शन जो बहुत ही लास्ट में होता है फ्रेंड्स, वहां उसकी ओरिजिनल आईडी दी गई होती है, वहां पे क्लिक करना है, आपको समझ में आ जाएंगे कि वहां कोई ऑफर नहीं है, कोई स्कैमर है। सेम टू सेम OLX पे भी होता है कि OLX पे यदि आप किसी से लेन देन कर रहे हो तो पहले पेमेंट की रिक्वेस्ट चेक कर लीजिएगा कि वो रिसीव रिक्वेस्ट है या सेंड रिक्वेस्ट है। आप क्या करते हो कि रिसीव रिक्वेस्ट पे क्लिक करके पैसे दे देते हो, आपको पता नहीं चलता है और आप बड़े अंदर से खुश होते हो कि यार मेरा फोन बिक गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, फोन आपका आपके पास ही रहता है और उल्टा आपका पैसे चले जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको काफी नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि उनके साथ भी ऐसे स्कैम्स ना हो पाए राइट फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो काफी हद तक अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट कर दीजिए और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
टेक्निकल हाउस सबके लिए वही है। सुनिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी की कहानियाँ, लेकिन जो यशु पटेल लाया हुआ सब से क्या बोलते हैं। अब अपने सब्सक्राइब करेंगे ना टेक्निकल हाउस को।